दलपत, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस मामले को हम यहीं रफा दफा कर देते हैं, अन्ना भाई सब संभालेंगे। केशव, मेरे पैसे। निर्मिति, वो सारे पैसे संभाल के। तो मेरे पैसे हैं वो, तुझे जेल जाना है क्या? ए दलपत, पुलिस को फोन कर। अरे पूरी बात तो सुनिए महेंद्र भाऊ, मैं ये कह रहा था निर्मिति, सारे पैसे संभाल के महेंद्र भाऊ को दे दो एक एक नोट। मैं एक एक नोट गिनूंगा, समझा तू? ओहो महेंद्र भाऊ क्षमा करना, बहुत जलील किया मैंने। क्या क्या सुनाया, गुजराती लोग ऐसे होते हैं, गुजराती लोग वैसे होते हैं, जबकि मेरा ये मराठी बेटा। अन्ना भाई, अन्ना भाई क्या बोल रहे हैं, आप तो मेरे मोटा भाई हैं। आप चाहे कितना भी बुरा भला कहे गुजरातियों के खिलाफ, लेकिन एक गुजराती की बेटी को आपने घर की सबसे चहेती बहू बना के रखा है ना। बेटी का बाप होने के नाते नहीं, नहीं महेंद्र भाऊ नहीं, अरे महादेव पेट के बच्चे लोग आ जाएंगे मोर को देखने। ठीक है अन्ना भाई, लेकिन आप मुझसे एक वादा कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, आप एक बात हमेशा याद रखेंगे। अरे बाप रे, इससे तो रोते हुए अच्छे थे, अभी जीवन तो पापा पापा शुरू कर देंगे। नहीं नहीं, अरे जीवन तो है कुत्ते की दुम। सुन प्रभाकर, इरशाद इरशाद, जीवन तो है कुत्ते की दुम टेढ़ी टेढ़ी टेढ़ी। वाह, जीवन तो है दक्षिण भारतीय उपनाम नागी रेड्डी नागी रेड्डी नागी रेड्डी। तो निकाल निकाल, तू तेरी भड़ास भी निकाल अभी। तो कुत्ते की दुम दक्षिण भारतीय उपनाम एक हुए। वाह, 10x10 का रूम मनोज कुमार की गुमनाम एक हुए। कातिल, एक मिनट, अब इसका क्या मतलब हुआ? प्रभा का दूध क्या? चुप बैठ। अरे आप क्या नाम क्या है इनका? टेबल। दीवान। सॉरी दीवान। आप रहने दो, इनका क्या नाम है? हलकट। दलपत। हाँ भाई, हाई। आप गप्पा बैठो, आप दोनों मिलके ये प्रभाकर को लेके जाओ, किधर मेले बिले में खो डालो इसको। 10x10 की रूम बोलता। क्या मेले में खो डालो? अरे अन्ना भाई कुछ भी बोलते हैं आप। बगर अन्ना भाई, अंत भला तो सब भला। वो तो है, वैसे इस परिस्थिति में कितना उचित है मेरे दामाद जी की पिक्चर का वो गाना। एक मेरा कार्टिया और दूसरा है मासूम। एक से बढ़कर एक अजूबे हैं हमारी फैमिली में, एक दो दिन यहाँ पर गुजार के देखिए, सब पता चल जाएगा। पापा, हमारी दिकरी अभिषेक। अन्ना, बच्चों अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग बाहर नाके पे होली का दहन देखने चलेंगे। अच्छा तुम लोगों को मालूम है क्या होली का दहन किस लिए किया जाता है? उंगली ऊंची करो, किसको आता है? हाँ ना, लास्ट होली पे बताया था आपने, होली का अपने भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर अपने नन्हे प्रहलाद को लेके आग में बैठ गई थी, लेकिन उसी आग में होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। शाबाश, एकदम बड़ा बोल गई उज्जवल अभी। अच्छा भक्त प्रहलाद को क्यों कुछ नहीं हुआ था? क्योंकि उनके ऊपर भगवान विष्णु का आशीर्वाद था, और दूसरा कि वो मराठी मानुष थे। अरे क्या फेंक रहे हैं बन्ना भाई, मैंने तो सुना है कि भक्त प्रहलाद गुजरात से थे। गलत सुना है आपने, आप गुजराती लोग है ना, ना तो सही सुनते हो
इतना कुछ सही करते हो। ले क्यों नहीं करते, बिल्कुल करते अन्ना भाई। जैसे मैं आज ये उड़द के दाल के वड़े बना के लाई हूँ। गायत्री अभिषेक की शादी के बाद पहली होली है ना, तो इसके लिए ये वड़े। आप वड़े बोलने के बाद जो कुछ भी बोले ना वो कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। ये वड़े दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे हाय हाय अन्ना भाई, ये आपके मुंह में रखने के लिए नहीं है। गायत्री और अभिषेक की नजर उतार कर चार रस्से पर चौराहे पर रखने के लिए है वड़े। नहीं नहीं, वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है रास्ते बिस्ते पे वड़े रखने की। और ये नजर बिजर उतारना यही सब अंधश्रद्धा है उर्मिला बहन। हाँ अरे मैं तो बोल के थक गया अन्ना भाई, ये नजर वजर कुछ नहीं लगती है, सब अंधश्रद्धा है। लेकिन ये मानती नहीं है। महेंद्र आप दोनों जिसको अंधश्रद्धा कह रहे हैं ना, वो हमारे घर में बरसों से चली आ रही है। और सिर्फ हमारे घर में नहीं, मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में, नहीं नहीं वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में बरसों से चली आ रही है। अरे अन्ना भाई अमेरिका में तो लोग चार दिन पहले ही जाकर चौराहे पर बैठ जाते हैं चूल्हा कढ़ाई लेकर, वहीं वड़े बनाकर वहीं रख देते हैं। तो बच्ची अब चलो बच्चे आ, तुम्हारी नजर उतार कर मुझे जाना है वड़े रखने। कहाँ? अमेरिका? या महादेव पेट के चार रस्ते खाली पड़े तो मैं अमेरिका क्यों जाऊंगी वड़े रखने। लो आ गई सबकी बुरी नजर इस वड़े में। ब्लूटूथ से ट्रांसफर हो गई बुरी नजर। हंसो हंसो, सबको जितना हंसना है आप सब लोग हंस लो, लेकिन मैं तो जा रही हूँ ये वड़े रखने चार रस्ते पर। किसी को आना है मेरे साथ? कलाकृति बहन चलो आओ। नहीं भाई नहीं, मैं इन सब में नहीं मानती। वेरी गुड। लेकिन मैं मानती हूँ। हम हर बात को अंधश्रद्धा कहकर समाप्त तो नहीं कर सकते ना। उर्मिला वहनी मैं आ रही हूँ आपके साथ। कमाल है ना भाई, ये अंधश्रद्धा का वायरस कोरोना वायरस से भी तेजी से फैल रहा है आपके घर में। और नहीं तो क्या? उर्मिला भाई लाइए मुझे, लाइए मैं रख देता हूँ रास्ते पे नहीं मेरे पेट में। अन्ना ये वड़ा आपने खाया क्यों? अब खा तो लिया, निगलना मत। तुकिए तुकिए अन्ना, अन्ना तुकिए, अन्ना तुकिए, अन्ना अन्ना आप ये क्या कर रहे हैं? वही जो आप सबको करना चाहिए था। सब कैसे कर सकते हैं अन्ना, इतने वड़े ही नहीं थे प्लेट में। अन्ना आपको पता है आपने कितना बड़ा अपशगुन किया है? तुकी अरे अपशगुन नहीं होता है अंधश्रद्धा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। या आप अन्ना 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 बचो अन्ना। अन्ना ने अपशगुन किया और खांसी आ गई, कहीं खांसते खांसते इनकी जान चली गई तो। शुभ शुभ बोलिए वहिनी। बराबर कहीं खांसते खांसते अन्ना के फेफड़े बाहर आ गए और हम फेफड़े अंदर डाल नहीं पाए और अन्ना की जान चली गई तो। कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे वो वड़े में शक्कर डाली थी, वो भी इतनी सारी शक्कर, क्या करूं ये गुजराती लोगों का। उड़द के दाल के वड़े में कोई शक्कर डालता है क्या? वो तो चार रस्ते की चींटियों के लिए शक्कर डाली थी मैंने इसमें, और आप खा गए और अपशगुन कर डाला। फिर से अपशगुन, अभी चर्चा समाप्त करो। अपशगुन ने दीपशगुन, एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ पर या तो मैं रहूंगा या तो अंधश्रद्धा, समझ गए आप लोग? ये बात जितने जल्दी समझ लेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए। और उर्मिला बहन अभी है ना, अगली बार एक भी दाना शक्कर का मत डालना हाँ वड़े में। अगली बार मैं अमेरिका की तरह अगली रात को ही जाके चार रस्से पे बैठ जाऊंगी और वहीं बैठ के तलूंगी और वहीं वड़े रख दूंगी। मैं देखती हूँ आप कैसे खाते हैं। फिर तो आप मुझे जानती नहीं हो उर्मिला बहन, अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए मैं रास्ते पे गिरे हुए वड़े भी उठा के खा सकता हूँ। अन्ना हमेशा की तरह इस होली के पावन त्योहार की शुरुआत सबको रंग लगा के कीजिए ना। बहिनी रंग लगाने का इशारा ऐसे कैसे? अरे मेरे एक मौसा थे डाकू, रंगा डाकू,
वो ऐसे ही घोड़े पे बैठ के गोली चलाते थे। तो ये रंगा में से रंग का इशारा था, काय तू समझा? नहीं वो समझा मैं प्रभाकर दादा, लेकिन आप क्या बोल रहे थे मुझे हा? कि ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा हम डाकू की जिंदगी जिए। अरे बस बस है माकड़ तोंडिया डूच क्या, अभी बंद करो तुम्हारा बाल नाटक। चलो चलो अभी मुझे होली के त्योहार का शुभारंभ करने दो। हाँ किधर है अभिषेक, किधर है? अरे हाँ गायत्री भी नहीं दिख रही है। हम यहाँ है पापा। ओहो अरे तुम दोनों क्या अपनी अलग से होली खेल रहे हो? नहीं एक्चुअली हम दोनों तो एक दूसरे को चैलेंज दे रहे थे। आज होली के उपलक्ष्य में अन्ना की दुकान के लिए मैं स्पेशली पारंपरिक वेजिटेबल कलर यूज करके कलरफुल भाकरवड़ी बनाने वाली हूँ। गायत्री ने तो परंपरा का रास्ता पकड़ा है, लेकिन पापा मैं परिवर्तन के राह पे चलते हुए आपकी दुकान पे ठंडाई फ्लेवर भाकरवड़ी बेचूंगा। वाह साहिबा वाह वाह। और हमारी शर्त ये है कि लंच टाइम के पहले जिसकी भाकरवड़ी सबसे ज्यादा बिकेगी वो सामने वाले पे ठंडे पानी की बाल्टी डालेगा। नहीं गायत्री। हाँ पापा तब तक हम दोनों में से कोई भी होली नहीं खेलेगा। हाँ। अरे अभिषेक फिर तो तेरा हारना नक्की है। क्योंकि क्या है ना तू कोई भी वो ठंडाई नहीं बिंडाई कोई भी फ्लेवर बीवर वाली भाकरवड़ी बना, भाकरवड़ी तो इनकी होगी। अभी होली के दिन कोई मूर्ख ही होगा जो इनकी भाकरवड़ी खरीद के अपनी होली खराब करेगा। अन्ना भाई वो तो वक्त ही बताएगा। और चलिए ना वैसे भी अभिषेक और गायत्री ने एक दूसरे से शर्त लगाई है ना कि वो लोग दोपहर तक होली नहीं खेलेंगे। करेक्ट। हमने थोड़ी ऐसा कुछ सोचा है। अरे मक्खियां मारने वाला रैकेट भिजवा दूं अभिषेक, क्योंकि कोई कस्टमर तो आ नहीं रहे तुम्हारे यहाँ, सिर्फ मक्खियां ही आ रही हैं। दोपहर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जो अब तक नहीं हुआ वो दोपहर तक कैसे हो जाएगा? जरा स्कोर बताना उज्ज्वला कितना हुआ है? अन्ना के सिर्फ 35 किलो और महिंद्र अंकल की दुकान के 100 ग्राम भाकरवड़ी की बिक्री हुई है। 100 ग्राम तो देख। अरे बाप रे मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि 100 ग्राम भाकरवड़ी इनकी दुकान से किस महापुरुष ने ली। हसी 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 आप लोग हसी है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ही देर में रोने की नौबत आने वाली है आप लोगों की। ये जो 100 ग्राम भाकरवड़ी लेके गए हैं ना हमारी दुकान से वो चखने के लिए लेके गए हैं, और अगर उन्हें पसंद आई ना तो सिर्फ 50 किलो का ऑर्डर मिलने वाला है। और आपकी दुकान पे कितने बिकी है? सिर्फ 35 किलो। देखना पासा पलटने वाला है कुछ ही देर में अन्ना भाई, आप लिख लीजिए टेक इट फ्रॉम मी। महेंद्र क्यों अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हैं आप? और तू अभिषेक तुझे किसने कहा था? नहीं तूने ऐसा चैलेंज दिया ही क्यों? आप लोगों को क्या लगता है ये पूरा बाजार हंस रहा है हम लोग पर? आप लोगों को लगता है कि ये ऐसे सब फालतू आइडिया निकाल निकाल के आप लोग अन्ना भाई की परंपरा के सामने जीतेंगे? मम्मी यही तो लड़ाई है। परिवर्तन ऐसे घर पे चुपचाप बैठ के नहीं लाया जा सकता, उसके लिए बाजार में उतरना पड़ेगा। बहुत मस्त डायलॉग है बेटा, लेकिन अभी डायलॉग बाजी नहीं, बाजी कैसे पलटी जाए वो सोचो। मत सोचो, एक काम करो, सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। महेंद्र 4-5 दिन के लिए दुकान बंद कर देते हैं। नहीं नहीं 4-5 साल के लिए, 4-5 साल के लिए बंद कर देते हैं। नहीं 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 400-500 साल के लिए बंद करके हम लोग हिमालय चले जाते हैं, वहाँ पे ना
गोले की लारी डालेंगे और वहाँ पे जो मुफ्त में बर्फ पड़ी होगी ना वो सब जमा कर करके उसके गोले बनाकर काला कट्ठा डाल कर बेचेंगे। हिमालय 5 किलो भाकरवाड़ी देना और हाँ जल्दी। जरूर जरूर। अरे 5 क्या, मैं तो आपको 15 किलो दूंगा। आप बिना लाइन के ऊपर आ गए ना तो 10 किलो मेरी तरफ से इनाम। लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको है ना वो 15 किलो की 15 किलो बाकरवड़ी वहां पर मुर्गा बनके खानी होगी। मंजूर है ना? नहीं। तो नीचे उतार। कैसे आदमी है? लाइन से आओ ना बाऊ। क्यों ऐसे बिना लाइन के घुस के सड़क का मुर्गा बनना चाहते हो? लगता है तो जानता नहीं है कि मैं किसके साथ आया। घमंड के साथ? घमंड के साथ आया है तू घमंडी? नहीं, मैं इनके साथ आया हूँ। मैं इनके साथ आया हूँ। और इनका नाम है मैडम राधा और ये शहर की बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती हैं। तो समझ ले जब ये तेरी दुकान पर आ गई तो तेरी और तेरी इस बेचारी सी दुकान की किस्मत खुल जाएगी। तो अब अच्छे से कायदे से नाप के तोल के 5 किलो भाकरवड़ी मुझे दे 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 दे। दूंगा 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 दूंगा। तो कब? अगले साल। 5 किलो नहीं 15 किलो दूंगा मैं तुझे, लेकिन शर्त वही रहेगी, तुझे और तेरी मैडम को सड़क पे मुर्गा बन के भाकरवड़ी खानी पड़ेगी। मंजूर है क्या? लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा, इसीलिए मैंने तेरा इंतजाम पहले से ही कर रखा है। यार शेरा शमशेरा ब्रो, इस बूढ़े खूसट की चर्बी उतारते हैं मिलकर। कम ऑन, एक मिनट। शेरा शमशेरा आपका जो भी नाम, थोड़ा रुको। जिसको थप्पड़ मारने आए हैं उसके बेटे से तो मिलो पहले। हाँ तो मिल लेते हैं, क्या है? ओ, मेरे मायके से फोन है। हेलो, कमला बीमार है? भाई 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 उसको जरूर नजर लगी होगी। तू एक काम कर, उसके सर पे से मिर्ची ऐसे घुमा के चूल्हे पे रख कर उसकी नजर उतार। निर्मिति उतार। मैं कैसे उतारूं? अरे वो दाल का पतीला उतार, वो दाल जल जाएगी। हाँ। नहीं नहीं विमला, तू मत पतीला उतार, तू खाली नजर उतार, मैं बाद में फोन करती हूँ। सगड़ी गड़बड़ होती। ये क्या था भारती वहिनी, कमला को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने को बोलना था और आप ये सब। अरे अच्छा डॉक्टर क्या, कोई बुरा डॉक्टर भी नहीं है मेरे मायके के पास जानवरों का। जानवरों का? हाँ कमला गाय है ना, तो उसको जानवर के डॉक्टर के पास ही लेके जाना पड़ेगा ना। वहिनी ये कैसा इशारा था जानवर का? अरे वो अपने बाजीराव बोबड़े है ना, वो ऐसे देखते है, तो उनकी बीबी सुल्लू उसको जान 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 करके बुलाते है ना, वो तो जानवर में से जान का इशारा था। वहिनी जानवर हो या इंसान, बीमार होने पर ऐसे नजर लगने जैसी बातों पर विश्वास करना मतलब अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना। भूल गई आप, अन्ना ने कल रात क्या कहा था कि हमें इन सब बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ लेकिन अन्ना ने वो नहीं देखा ना जो मैंने देखा है। क्या देखा आपने? बचपन में मैं जब छोटी थी ना तो हमारे गांव में किसी की आँख लाल हो जाती थी तो एक बूढ़ी ताई आकर ऐसे आँख के सामने एक सुई रखती थी और नीचे तेल की वाटी और झटकी से सुई नीचे गिरा देती थी और तेल की वाटी लाल लाल हो जाती थी और आँख साफ। ऐसा कुछ नहीं होता वहिनी। होता है निर्मिति, होता है। तुझे ना मेरे बाबा के दोस्त की बात बताती हूँ। एक समय में उनके पास 4 टैक्सीज हुआ करती थी
बहुत सुखी परिवार था। एक दिन एक फकीर आया उनके घर के सामने, झोली फैलाकर बोला, मुझे दान में एक गाय दे दे। तो वो गुस्सा हो गए और बोले, तुझ जैसे हट्टे कट्टे आदमी को भीख देने के बदले मैं गरीबों में खाना बांटूंगा। बिल्कुल सही कहा आपके बाबा के दोस्त ने। क्या खाक सही कहा। फिर वो फकीर गुस्सा हुआ और ऐसे झोली खोल कर राख निकाली और बोले, तू बर्बाद हो जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ निर्मिती, वो बाबा की नजर लग गई। जो अपनी चार टैक्सीज भाड़े पे देते थे वो खुद भाड़े के रिक्शा पे आ गए। बहिनी, इसे संयोग कहते हैं, कौवे का बैठना और डाल का गिरना। हाँ, लेकिन हमें कौवे को डाल पे बैठने क्यों देना है। ये देखो निर्मिती, मैंने कौवे को उड़ाने के लिए प्रबंध कर दिया है। अब ये क्या है बहिनी। अन्ना ने जब से वो रात में चार रस्ते पे रखने वाले वड़े खाए है ना, तब से मुझे बहुत डर लग रहा है हमारे घर में कोई मुसीबत ना आ जाए। ये नींबू मिर्ची हमारे घर में बुरी नजर के कौवे को आने से दूर रखेगी और हमारे घर में कोई मुसीबत की डाल नहीं गिरेगी। मैंने आपको बाकरवड़ी लेने के लिए भेजा था, गुंडागर्दी करने के लिए नहीं। अंकल जी, I'm really really sorry, मेरी वजह से ये सब परेशानी हुई। I'm really really sorry. No, it's okay. इसी बहाने मेरी एक्सरसाइज भी हो गई। वैसे भी दुकान पे बैठे बैठे मेरी बॉडी जाम हो गई थी, तो इट्स ओके। एक्सक्यूज मी, वो पीछे वाली दुकान आप संभालते हो ना। जी।